रेडियोली का हाइग्रोमा कम हो गया देखते देखते। इवेंचुअली आई थिंक एक दिन ऐसा आएगा ये फेड अवे हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने इस बार भी सर्जरी से मना कर दिया। बब्जी एक फिट रॉटवाइलर है जितना होना चाहिए, ना मोटा ना पतला, मस्कुलर, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम हमेशा ड्रीम करते थे। और मैं इसको कोई हाथ बात नहीं लगाऊंगा, इंजॉय कर दो अपना घूमट। अभी मैं क्या करूंगा, ये देखो ये बैठ गया अपना इधर और ये बैठ गई लेडी वाली। तो अब ये शाम को 6 बजे तक इस रूम में रहेंगे, ठीक है? गाइस जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से भी कोई ऐसे है जितने हॉरेंडस तरीके से दूध पीता है। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी कुतिया। इसकी शक्ल देख लंबी निकलेगी, देखिए ये अच्छी लंबी निकली, मुंह अभी से ही लंबा है। ये रात को ना पीछे आके खड़ी हो जाती है मेरे। ओ भाई साहब, ओ भाई ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग लग रहा है। ओहो हो। तो भाई हम आए थे अमेरिका की ट्रिप के लिए शॉपिंग करने पैसिफिक मॉल, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा कंजूस कन्वर्ट हो गई हूँ। ये क्या चल रहा है, आप आइसक्रीम की जगह दूध का पैकेट लेके बैठे? हम तीनों ना दिन में आधा किलो दूध ऐसे पीते हैं। आधा किलो कितना ही बढ़ता होगा तीखा। आई हाय ये तुम जे भी पिएगा, बच्चे को बिना उबला हुआ दूध पिला रहे हो, वो भी सीधा थैली से निकला हुआ। इधर आ जा जल्दी, है इधर आ, भोले बाबा के भक्त दूध पीने वाले। हेलो शिव यार, तुम ना सारे कोहनीज ऐसे हो, है ना? देखना गाइस जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से भी कोई ऐसे है जो इतने हॉरेंडस तरीके से दूध पीता है। मेरे बेटों को भी ना अपने जैसे बनाया जा रहा है, मोटा जाहिल कलर करा लिया, मोटे ने बाल डाई करा लिया आज, डाई कराया मोटे ने बाल डाई कराए। अब बताओ राहुल भैया क्या लग रहे हैं, ब्यूटीफुल या ओपी? आए हाय बड़े काले रंग कराया हो, जवाब दो। दे अपने पापा को, दे कहते हैं बस पेट भर गया उसका। मामू हाथी है, मामू हाथी है, आज सुबह दूध मिल तो रहा है, बैठे नीचे क्यों उठ क्यों गया? ओए कलर अब थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा सेटल डाउन हुआ है। हां अब तो नहीं तुमको हो गया ऐसी वैसी लग रही है? ऐसी वैसी नहीं लग रही, अब वैसी वैसी लग रही है। मुंह तोड़ दे गाइस, बताना कमेंट सेक्शन, अब थोड़ा जाके एक हफ्ते बाद कलर ठीक हुआ है। अच्छा तुम्हारी ना एक फैन गर्ल है, फैन गर्ल मतलब लड़की है वो फैन। हाँ, तुम्हारी, उसका नाम है विन्नी, उसका नाम है विन्नी, तो उसको माता विन्नी, मैंने उसको बताया कि तुम्हारी मासी का नाम भी विन्नी है, तो तुम विन्नी के लिए एक मैसेज दे दो। यो विन्नी व्हाट्स अप मैन, व्हाट्स अप विन्नी, विन्नी वी गोना विन दिस वन डे समडे। हाय गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू द मिथोलॉजी, वेलकम यू टू your beautiful channel of two Rottweilers and one German Shepherd, Bubsy, Lady Ollie and Zoe. Morning के अंदर सुबह आ गए हम, संडे का दिन है, पार्क बिल्कुल सुनसान है, टोटल सुनसान, लॉक्ड। दोनों आए हैं अपना फ्री होने के लिए। लेडी ऑली का हाइग्रोमा कम हो गया देखते देखते, इवेंचुअली आई थिंक एक दिन ऐसा आएगा ये फेड अवे हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने इस बार भी सर्जरी से मना कर दिया। सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर ये बड़ी परेशानी होती है अगर संडे का दिन स्पेशली है, क्योंकि कोई भी स्टाफ नहीं आया होता, तो यू हैव टू क्लीन द प्रीमिसेस, यू हैव टू फीड देम प्रॉपरली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, और साथ साथ जो कल रात को इन्होंने हुड़गम मचाया होता है वो भी सारी चीज़ें समेटनी पड़ती हैं। गार्ड डॉग्स हैं, थोड़ी शरारतें ये करते हैं, पर जितनी ट्रेनिंग हम दे सके हमने उसको दी है। वहाँ दूर बब्जी खड़ा है, यहाँ लेडी वाली सोच रही है कि मैं कुछ खिलाऊंगा, तेरा तो खिलाना बंद ही हो गया। लेडी वाली को अब हम बहुत कम खिलाते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के ऊपर है, 20 डेज प्रेगनेंट है, अगर हम नहीं चाहते आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस आए इसकी प्रेगनेंसी के अंदर। अभी मैं बब्जी को बुलाऊंगा और बब्बे ये देखो बब्जी एक फिट रॉटवाइलर है जितना होना चाहिए, ना मोटा ना पतला, मस्कुलर, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम हमेशा ड्रीम करते थे कि हमारा डॉग होगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी बैक लेग के अंदर प्रॉब्लम है, ही हैज़ हिप डायलेक्सिया जो एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था बचपन में, और उसके अंदर आप कैविटी भर गई है तो उसके चलने में प्रॉब्लम है। तो आप कमेंट्स के अंदर बताओ संडे के दिन आपका यूजुअली कैसा रहता है। मैंने आपको बताया मेरा कैसा रहता है संडे के दिन, सबसे पहले मेरी अलार्म बजता है सबसे पहले इनको फीड करने का दोनों को, क्योंकि स्टाफ बिल्कुल भी नहीं होता, और फीड करते करते ही टाइम निकल जाता है, एक घंटा इनको सुबह चाहिए, अभी मैं इनको घुमा रहा हूँ,
उसके बाद इनकी सफाइयाँ होंगी, उसके बाद एक रूम प्रिपेयर किया जाएगा जो मेरा मोस्टली ऑफिस का रूम ही होता है, कि जिसके अंदर हम एसी ऑन करेंगे और ये बैठेंगे शाम के 6 बजे तक, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और आप देख लीजिए कि रॉटवाइलर्स या फिर कोई भी ब्रीड रखने के लिए, अगर आप इवेंचुअली उनको चाहते हैं घर के अंदर रखना तो बहुत अच्छा, पर अगर आपके रॉटवाइलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गार्ड इंस्टिंक्ट है और वो अलग रहना चाहते हैं सपोजिंगली बालकनी के अंदर या फिर आगे के एरिया के अंदर, तो देन यू हैव टू अरेंज समथिंग फॉर देम, चाहे वो एसी हो चाहे वो कूलर हो। कल हमने कूलर ठीक कराया था पर कूलर ठीक नहीं हुआ और आज फिर हमें एसी के अंदर इनको रखना पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे आराम से सो जाते हैं, बट क्या होता है जैसे ही नीचे कोई हलचल होती है ये इतनी तेज गुर्राते हैं कि ऑफिस के अंदर गूंज होती है। तो यही हमारा मोटा मोटा संडे ऐसे ही निकलेगा। और आज बहुत सारे काम है, आज मुझे जाना है ट्रायल्स के लिए जो मैंने कोट पेंट सिलवाया है, लंच भी शायद मोस्ट प्रॉब्ली बाहर होगा, शिवाय जे घर के अंदर है, शिवाय अभी भी सो रहा है, जे मम्मी के साथ खेल रहा है। एक बार इनकी वॉक पूरी हो जाए उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, आपको नीचे के सीन्स दिखाता हूँ कि नीचे फैमिली में संडे के दिन चल क्या रहा है। और वैसे आज हमारी जो घर में आती हैं सफाई करने के लिए, क्लीनिंग डस्टिंग के लिए, आज उन्होंने छुट्टी ले लिया तो आज का दिन और हेक्टिक होने वाला है। और ये जो आवाज़ें आपको सुन रही हैं, ये देखो दोनों मेरे गार्ड डॉग्स उधर भागे, अब ना मेरे ख्याल से बंदर आ गए हैं पार्क के अंदर। ये देखो ये इतनी अटेंशन पोजीशन में खड़े हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं बंदर जरूर होंगे। कहाँ है, कौन है, हैं वाला, आ जा। ये देखो इतने सारे पक्षी ऊपर हैं तो इसको मतलब डेफिनेटली बंदर है, और वो अभी हमें दिख नहीं रहे पर ये दोनों सर्च कर रहे हैं उनकी, और वो इसी रेलिंग के ऊपर होंगे कहीं ना कहीं। और देखो ओला ना उधर बार बार जा रही है, आई थिंक ओला ने पकड़ लिया है। ओला, लेडी ओली, कम कम, आजा। वो देखो वो रे बंदर, वो देखो वो रे बंदर, आपको दिख गए होंगे। तो ये बंदर है और ये ओला, कम लेडी ओली, कम चलो आओ कम। और मैंने इनको बताया नहीं है कि पीछे बंदर है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी और मैं चाहता नहीं कोई लड़ाई हो। ये देखो ये रे बंदर, ओला उनके पास जाने की कोशिश कर रही है। कम 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 कम, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो गुड, ओला कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। अब मैं इनको वहां से दूर लेके आ गया, अब इन दोनों को आराम से हम रखेंगे एसी के अंदर, थोड़ा ये रिलैक्स करेंगे क्योंकि रात भर इन्होंने अपनी गार्ड की ड्यूटी की है और कल गर्मी ज़्यादा थी। देखो अब बकेट भी भर रही है, पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि सफाई के लिए चाहिए, और ये दोनों ऐसे खेल रहे हैं, पानी वेस्ट ना हो ज़्यादा तो हम बंद कर देते हैं। स्लो कर दिया हमने पर इनको स्लो पे मज़ा नहीं आता। ये देखो पानी पी रहे हैं अपना, दोनों के दोनों एसी वाले रूम में आके बैठ गए हैं। ये देखो इसकी हालत देखो, और ये रहा बब्जी है ना, और उधर चल रहा है हमारा एसी। हाँ भाई बहुत ज्यादा थक गए हो, ये थोड़ा सा गीला होके आई है और ये बहुत रिलैक्स पोजीशन में है, ये देखो है ना। और मैं इसको कोई हाथ वात नहीं लगाऊंगा, इंजॉय कर दो अपना मोमेंट, अभी मैं क्या करूंगा। ये देखो ये बैठ गया अपना इधर, और ये बैठ गई लेडी वाली। तो अब ये शाम को 6 बजे तक इस रूम में रहेंगे, ठीक है। चलो छुट्टी मना रहे हो, संडे मना रहा हूँ विद जोई, वो दोनों ऊपर एसी में बैठे हुए। उनकी तो मैं अभी सीसीटीवी फुटेज निकालती हूँ और लोगों को दिखाती हूँ। उसने एक नुकसान कर दिया, अब क्या किया है, लेडी ऑली ने ना एक हमारी प्रोडक्ट है उसको तोड़ दिया चबा चबा। वैसे ना लेडी ऑली ना मैं कहती हूँ घर में रखने लायक नहीं है, शी इज नॉट अ गुड पेट। आज ने दुखी कर दिया, पर हम बैठे बैठे कलप रहे थे कि कोई ना कोई बंदा इसकी कंप्लेन, कोई बंदा तो कंप्लेन कर दिया। अरे बर्तन बजा बजा के, या तो ये बर्तन किसी को मेटल का लो जो बजे ना, वो तोड़ देती, वो प्लास्टिक होगा तो चबा देगी चबा देगी। ये ऑली बचपन से ना बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है, आप नीचे बैठोगे आपकी आवाज पता चल गई, ये बालकनी से आपको नीचे झांक लेगी, आपको पता है ना ऊपर चढ़ के लटक के देखती है। इससे देखिए आप नीचे बैठे और इसके बारे में बात नहीं कर रही है, इसके तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो क्या करेगी, पहले तो पानी गिराएगी मुंह से बर्तन का, और फिर बर्तन बजाएगी बड़ी, और ऐसे करके बजाती है, पीछे जाता भड़, फिर बजाती है। तो जब भी मैं इनको पानी पिलाता हूँ, पानी पिलाने के बर्तन छुपा देता हूँ। जेल के कैदी नहीं होते प्लेटें बजाते वैसे, कि मैं इधर ध्यान दो मैं इधर ध्यान दो, मैं भी एक सुंदरी हूँ। मेलामाइन तोड़ दिया, प्लास्टिक दिया, प्लास्टिक तो चबा ही दिया, ठीक है। फिर मैंने अरे बाल्टी दी थी एक बार याद है, लोहे की बाल्टी दिया, उसके कुंडे में रोड़ दिया पापा इन्होंने,
बब्जी तो बेचारा कुछ भी नहीं करता, लेडी वाली कर, अरे बाबू वो हमारी टाइल है तो चब आ गई है टाइल, ठीक है, और मेरे सामने जब मैं सामने हूँ तो तभी भी कुछ नहीं करेगी, वही है डॉग को हमेशा बिजी रखना पड़ेगा आपको। आजा पापा की शिन, आजा पापा की शिन, आजा शिवाय नहा के आ गए, सुबह सुबह इसकी क्लास भी खत्म हो गई है स्पीच की घर वाली, और छोड़ा लग रहा है, छोड़ा जा पापा को हगी करके, पापा क्या हो रहा है एक जैसी शक्ल, अच्छा अच्छा पापा की शिन इधर भी, ये कोई जगह बैठने की दूध पीने की है कोई जगह ही है, आराम से बैठ के पी, किचन में घुस के पी रहा है, और जोई भी ना तेरी पक्की वो है, वो देखना कहाँ बैठ गई है राहुल, जोई चल बैठ। तो हम फाइनली जा रहे हैं अमेरिका और टाइम बहुत नजदीक है, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी कुतिया, इसकी शक्ल देख लंबी निकलेगी, देखिए ये अच्छी लंबी नहीं, मुंह अभी से ही लंबा है, ये रात को ना पीछे आके खड़ी हो जाती है मेरे, जो शुम दिशुम 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 तेरा पैर मत चबा यू दिशुम 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 मैं फाइनली थोड़ा सा जोई को ट्रेन कराया, मैं आपको थोड़ी चीज दिखाता हूँ कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हुई। जोई सिट, अब जोई बैठ गई है, अब देखो किचन, सिट स्टे कम, तो बेसिकली क्या है, तीन कमांड्स जोई की होती है, स्टे सिट समझ गई है कम, बाल क्या डाई करा ले हीरो बन रहा है, चले मुझे ना घर में कीड़ा घूमता हुआ नजर आया है, राहुल इसको उठाओ यार, ऐसे मत मारो ये ऐसे डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो फिर मुझे वो दिमाग से उठा के डर, हाथ से उठा दो ना यार, तुम तो वो जीप लगा के आया निकल, हद हो गई यार, वो भाग ही जाएगा इतनी देर में यार, बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है वो, यस हद हो गई यार, उसकी स्कूल की एडमिशन की भी चिंता नहीं है तुम्हें, कैसे आदमी हो। तो हम कमला नगर मार्केट आए थे शॉप पे एक पानी खरीदने, बाई चांस जिस जगह से हमने कोट पैंट खरीदे उसके सामने यही शॉप पड़ती है, तो हम यही आ गए लकीली, और यहाँ पे सर हैं, और पैथोलॉजी बेस्ट चैनल है, बेस्ट फैमिली चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप डॉग्स पब्जी सब बहुत बेस्ट है, इनकी फैमिली और इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत मजा, आपके पास भी कोई डॉग है नहीं, आपका नाम साहिल, तो साहिल जी है कमला नगर में, जिसने भी आके चटर पटर जो भी सामान खाना और जिसने भी बच्चों को लेकर आना इनके पास सब कुछ है, अगली बार मैं शिवाय जी को मिलाऊंगी, थैंक यू साहिल जी, थैंक। यहाँ पे राहुल ट्राई कर रहे हैं अपनी कोट पैंट की पैंट, ये काले रंग की पैंट है, पैंट की कमर ठीक लग रही है आई हुई, सही है ना, आसन का मुझे थोड़ा, तुम थोड़े पतले भी तो हो गए हो ना यार, 2 किलो सीधा कम कर लिया, ओए होए मेरे रणबीर कपूर, राहुल दाढ़ी भी काली करा लो, आया तो चुप कर जा, राहुल क्या लग रहे हो यार, गाइस कमेंट सेक्शन में बता दो राहुल भाई कैसा लग रहा है, ओ हो यम्मी यम्मी, वाह राहुल वाह, आसन में कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं नहीं मैं एक बार देख रहा हूं, अभी कुछ है तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, इवन ना बकल बुकल एक्स्ट्रा लगवाने हो ना वहाँ के लिए, कि अगर थोड़ा इंचेस गेन हो जाए तो वो भी करवा लो, और अब बारी है अनुराग बस्सी वाले कोट की, ओ भाई साहब, ओ भाई ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग लग रहा है, ओहो हो जबरदस्त राहुल एक नंबर, रुको मैं वर्टिकल में लुक दिखाती हूँ मोटी, ओ भाई साहब इतने शानदार तो तुम अपनी शादियों में भी नहीं लगे, क्या बात है राहुल वाह, और हम लोग कोट पैंट की फिटिंग करवा के राहुल के आ गए, ट्यूसडे को देगा वो कोट पैंट, अच्छा लग रहा था ना राहुल, सुंदर लग रहा था, अभी दिखाती हूँ हाँ, और यहाँ पे जे ना पानी की बोतल लेके जोई के पीछे बढ़ गया, उसको कह रहे पानी पी ले पानी पी ले, और ढक्कन खोल नहीं रहा है, ऐसे उसके मुंह में ना बोतल दिए जा रहे हैं कि पानी, इसका क्या करना है, जोई को बुलाना है, अब ये जोई घुस गई है फ्रिज के पीछे और जे उसके पीछे पीछे घुस गया, तू मम्मा का पर्स क्यों करेगा, ये मेरा पर्स है ना, क्या करोगे मम्मा के पर्स का, कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने हैं, और ये आपने अपने चीक पे क्या लगाया हुआ है राजमा, कहाँ जा रहे हो घूमी घूमी करने, ये तो मम्मा का पर्स है ना, हाँ गुड बॉय,
क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, डोंट टच इट। और यहाँ शिवाय अपनी मस्ती में और मन्नी कर रही है अपनी शॉपिंग। तो भाई हम आए थे अमेरिका की ट्रिप के लिए शॉपिंग करने पैसिफिक मॉल, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा कंजूस कन्वर्ट हो गई हूँ। यहाँ पे कोई भी जीन्स 3,500 रुपये से कम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं खरीदी, हमेशा खरीदी है शादी से पहले, लेकिन मुझे लग रहा है 5 साल में जब ये बच्चे पैदा हुए और ये सब, मैं ना इवॉल्व हो गई हूँ फ्रॉम अ गर्ल टू अ मदर। अब मेरा मन नहीं करता 3,500-4,000 एक एक जीन लेने का। तो मैंने राहुल को बोला कि यही जीन्स तो ऑनलाइन मुझे सिमिलर, मतलब सेम नहीं, सिमिलर जीन्स मुझे 1,000 की मिल रही है, 1,500 की मिल रही है। अलानगर मार्केट में हर चीज़ 200-300 की मिल रही थी, तो अंदर से ना नीयत खत्म हो गई है शॉपिंग करने की। तो हमने सोचा कि एक जीन 3,500 की खरीदने से अच्छा हम जाके यहाँ पे किसी अच्छी जगह कुछ खा लें, बच्चा भी इंजॉय करेगा, हम भी खुश हो जाएंगे। तो हमने अच्छी जगह आके अब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मंगाया मैंने अपने लिए ऑरेंज लेमनेड, राहुल ने कोल्ड कॉफी, और आने वाला है, और अभी साथ में आने वाला है चिकन पेपरोनी पिज्ज़ा। मज़े से बैठ के हम खाने वाले हैं और उस पर जाएंगे घर। शॉपिंग इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा मेरे बस की नहीं है। मैं फिर कोशिश करूँगी किसी दिन कमला नगर मार्केट जाऊँ, टपरियों से कुछ 3-4 टीशर्टें और खरीद लूँ, नहीं तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ। तो गाइस सारी शॉपिंग निपटाने के बाद हम थोड़ी देर कहीं जिम, वहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ी सी आर्म्स वगैरह टोन कर ली, क्योंकि अब शादी पास आ गई है, कपड़े वपड़े पहनने तो बॉडी टोन होनी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं CCTV फुटेज लेडी ऑली और बब्जी की बालकनी की। और ऑली हर पूरे दिन शैतानी करती रहती है, ये हमने इसको बैठने के लिए दी थी तख्त, इसने सारी चद्दर फाड़ दी। और जो आप बर्तन देखिए, ये पूरे दिन इस बर्तन को छनकाती रहती है, हम छोड़ के आते हैं वो बर्तन इनके पानी के लिए, पानी को पहले फेंकते हैं नीचे और उसके बाद पूरे टाइम बर्तन को ठा 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 बजाती है। शुक्र है हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, कुछ कहते नहीं है। और यहाँ पर ओला और बब्बा चुपचाप बैठने के वो कर रहे हैं अपनी गार्ड ड्यूटी पे, और बब्बा चुपचाप बैठ गया। देखो नीचे एक लड़की जा रही है और उसको देख रहा है मुँह उठा उठा के कि कौन है, क्योंकि वो हमारे घर की तरफ देख रही है। क्या हुआ, जाके घूमाओ जल्दी जल्दी, इनकी रात की सैर चल रही है। अब तो मैं इनको सैर पे लेके आया था, और आज एक बात हमें समझ आई, हम लेडी ऑली का चेकअप करा रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि लेडी ऑली की अभी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो सकती, क्योंकि अभी 15-20 डेज हुए, 35 डेज के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, जो एक मेडिकल टर्म्स के अंदर टेस्ट अवेलेबल है। तो हम फिर भी बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं और ध्यान से रख रहे हैं ऑली को, कोई जंप नहीं करा रहे हैं। आपने देखा होगा व्लॉग में कि बड़े दिनों से हम बॉल से भी निकला रहे हैं। तो अब मेरे को जाना पड़ेगा, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। सी यू, बाय बाय।